देश के भविष्य को इल्म की रोशनी बांट रही सबा की जिंदगी में घुप अंधेरा है। सबा की जिंदगी उन धागों की तरह उलट चुकी है, जहां एक तरफ उसके ख्वाब हैं, तो दूसरी तरफ उसकी अंधी माँ की देखभाल और गरीबी है। आईने में वो आज भी उस सबा को तलाशती है जिसने जिंदगी में कुछ सपने संजो रखे थे। 19 साल की सबा ने अपनी माँ की देखभाल और गरीबी की वजह से अपनी ख्वाहिशों को अपने सीने में दफन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर सद्दीपुर गांव की रहने वाली सबा तालीम हासिल कर नौकरी करना चाहती थी और कामयाबी की बुलंदी को छूना चाहती थी, लेकिन गरीबी की पेड़ियों ने उसे जकड़ रखा था। लड़कियों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली सरकारी इमदाद भी उसे मयसर नहीं हुई। जहांगीराबाद मीडिया इंस्टीट्यूट ने इस मुफलिसी की जंजीरों को तोड़ते हुए उसे मीडिया कोर्स में दाखिला दे दिया। यहां से उसके सपनों को पंख लगने शुरू हो गए। उसे लगा कि अब उसका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोर्स खत्म होने के बाद अब नौकरी का वक्त आया ही था कि सबा की तकदीर ने करवट बदली और उसकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई। अब सबा को माँ की देखभाल के लिए घर पर ही रहना पड़ता था। मेरी अम्मी देख नहीं सकती हैं, इस वजह से अब अम्मी की देख रेख करने के लिए कोई मेरे घर पे नहीं है। दो भाई दो बहन, वो रोज का ऐसे ही काम वाम करते हैं और उसी में मेरे घर का खर्च चलता है। सबा के सर से बाप का साया उस वक्त ही उठ गया था जब सबा महज 1.5 वर्ष की थी। रिश्तेदारों ने कुछ सालों तक मदद की। बड़ी बहन की शादी के बाद घर की जिम्मेदारी सबा पर आ गई। दो बिटिया हैं, दो लड़के हैं, दोनों बाहर रहते हैं। एक बिटिया की शादी हो गई, दूसरी बिटिया मेरे साथ छोटी वाली है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। जहांगीराबाद से कोर्स किया, बहुत साथ दे रही हमारी बिटिया। सुबह से शाम तक घर में काम, हमारा खाना पीना सब कुछ, पूरा सब कुछ वही करती है। हम खाली बिस्तर पर बैठे रहते हैं। बड़ा भाई काम की तलाश में ओमान चला गया और छोटा भाई मोटर रिपेयरिंग की शॉप में काम करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, घर की दाल रोटी का इंतजाम होने लगा था। सबा ने आगे पढ़ने और नौकरी करने की ख्वाहिश का जिक्र अपने भाई से किया। भाई ने उसके फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए जल्द ही उसे अच्छे कॉलेज में दाखिले का भरोसा दिलाया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भाई के हाथ में चोट लग जाने की वजह से सिलाई का काम छिन गया और भाई को इंडिया वापस भेज दिया गया। अब भाई भी घर पर बैठ गया। घर का खर्च चलाना अब मुश्किल हो रहा था। सबा ने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से ही कपड़ों की मुरली बनाने का काम शुरू किया, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी चंद रुपए ही नसीब होते थे, जो कि जरूरतों के हिसाब से ना काफी थी। जी होता है, बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ा बहुत करते हैं घर पे भी, मतलब नाटी मोटी बना लेते हैं, उसी में थोड़ा बहुत खर्चा चलता है। एक दर्जन अगर बनाओ तो फिर 10 रुपए मिलेंगे, बस 2 दर्जन बना पाते बहुत है। बड़ी नौकरी के लिए बड़े शहर का रुख करना होता है, लेकिन माँ को छोड़कर जाना सबा के लिए मुनासिब नहीं था। ऐसे में माँ की दी गई दीनी तालीम काम आ गई और सबा गांव के एक मदरसे में दीनी तालीम देने लगी। लेकिन
आगे पढ़ने और बड़ी नौकरी का सपना अभी भी उसकी आंखों में पल रहा है। उसे अभी भी उम्मीद है कि उसके अधूरे ख्वाब जरूर पूरे होंगे।